नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा एक और दो गणित की कार्य पुस्तिका को फिर से लेके आए हैं और इसमें अपन कार्य पत्रक वर्कशीट 7 के बारे में बातचीत करेंगे। वर्कशीट 6 तक अपन ने पिछली वाली कक्षा में बातचीत कर ली थी। वर्कशीट 7 में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। वर्कशीट 7 में अपने को कहा गया है, वर्कशीट 7 में अपने को दो अंकों की संख्याओं की तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना करनी है, ठीक है। देखो, दो अंकों की संख्या की तुलना कर सके आप, ऐसी आपको इसमें ज्ञान आपको दिया जाएगा। इसमें यह आपको समझाया जाएगा कि अपन किस टाइप से दो अंकों की संख्याओं की तुलना कर सकें, ठीक है। अपन ने इससे पहले वाले कार्यपत्रक में भी, कार्यपत्रक 6 में भी क्या सीखा था, अपन ने दो अंकों की संख्याओं की तुलना सीखी थी अपन ने, जिनमें क्या था, बड़ी संख्या कौन सी होगी इसका पता लगाना था और छोटी संख्या कौन सी होगी इसका पता लगाना था। तो उस वाले कार्यपत्रक में अपन ने देखा था कि गिनती बोलते समय जो संख्या पहले आ जाती है वह छोटी संख्या होती है। गिनती बोलते समय जो संख्या पहले आ जाती है वो संख्या छोटी होती है और जो संख्या बाद में आती है वो संख्या बड़ी होती है, इसके बारे में अपन ने सीख लिया था। तो अब देखिए इस वाले में क्या है, अपने को चित्र में दी गई संख्याओं को, दी गई वस्तुओं को गिनकर डिब्बे में लिखिए और सबसे बड़ी संख्या पर सही का निशान लगाइए। वहाँ पर अपन ने क्या किया था, पिछले वाले कार्यपत्रक में दो दो संख्याओं की ही तुलना की थी। क्या की थी अपन ने? दो संख्याओं की ही तुलना की थी। पिछले वाले कार्यपत्रक में अपन ने दो संख्याओं की तुलना की थी। इस वाले कार्यपत्रक में अपन को तीन संख्याओं की तुलना करनी है, दो अंकों की तीन तीन संख्याओं की तुलना करनी है। तो देखें किस प्रकार से तीन अंकों की तुलना अपन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहले प्रश्न में इनको जो भी अपने को सामान दिए गए हैं या फूल, पहले वाले ब्रैकेट में फूल दिए गए हैं, दूसरे में सर्कल गोले दिए गए हैं और तीसरे में स्टार्स दिए गए हैं, तो इन सबको पहले काउंट करके इस ब्लॉक में, इस बॉक्स में लिखना है। इसके जस्ट नीचे जो बॉक्स दिया गया है इनमें लिखना है। तो अपन सबसे पहले तो इनकी गणना करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1, 17। फर्स्ट वाले ब्लॉक में 17 फ्लावर हैं। कितने हैं? 17। 17 फ्लावर हैं। तो अपन ने 17 फ्लावर लिख दिए हैं। यहाँ पर सर्कल दिए गए हैं दूसरे ब्लॉक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। कितने हैं इसमें? 19 है। फिर से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 है, तो इस ब्लॉक में 19 लिख दीजिए आप। 19 लिख दिए अपन ने। अब अगले में स्टार्स हैं, स्टार्स को भी काउंट कर लीजिए। तो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने आ गए स्टार? 18 आ गए। तो 18 को भी इस ब्लॉक में लिख दीजिए। अब अपन ने क्या किया, तीनों ही ब्लॉक में जितनी जितनी संख्याएं थी सभी को अपन ने लिख दिया। फ्लावर 17 थे अपने पास, सर्कल गोले थे वो 19 थे और स्टार्स 18 थे, तो अपन ने लिख दिए। अब इसमें क्या करना था अपने को, जो बड़ी संख्या है, सबसे ज़्यादा संख्या में जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अपने को क्या बनाना है, गोला बनाना है या राइट का निशान बनाना है। पिछले वाले कार्यपत्रक में, वर्कशीट में अपन ने गोला बनाया था, इसमें राइट का निशान लगाना है बड़ी संख्या पर। तो बड़ी संख्या के बारे में पहले कंसेप्ट ले लेते हैं अपन, कि गिनती बोलते समय जो संख्या सबसे पहले आएगी वो छोटी, उसके बाद वो उससे बड़ी और सबसे लास्ट में जो आएगी वो सबसे बड़ी होगी। जैसे गिनती बोलें, दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगी? दो अंकों की संख्या जो है 10 से शुरू होकर जाएगी कहाँ तक? 99 तक। तो 10 से ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी दो अंकों की संख्याओं के लिए। 10 से 99 तक की काउंटिंग चलेगी। 10 से 99 तक की काउंटिंग में क्या होगा, जो संख्या सबसे लास्ट में आएगी या बाद में आएगी वो सबसे बड़ी संख्या। तो देखो 17, 18, 19, 17, फिर ये 18 और ये 19। तो सबसे लास्ट में क्या आया? 19 आया। तो ये 19 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। प्रश्न नंबर 2 में बात करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 2 में
इसमें क्या है इसके बारे में बातचीत करें। प्रश्न दो में कहा गया है बड़ी संख्या पर राइट का निशान, बड़ी संख्या पर राइट का निशान लगाना है, लगाते हैं 17, 18, सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। पहली संख्या 17, फिर 18, फिर 16। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 16। यहाँ से स्टार्ट कर लो, 16, 17, 18, तो 16 ये रहा, ठीक है, ये सबसे छोटी, ये इससे थोड़ी सी बड़ी, और 18 जो है सबसे बड़ी, तो 18 जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है, क्योंकि 18 सबसे लास्ट में आ रही है। तो सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले पकड़ेंगे अपन, क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या यानी कि गिनती में जो सबसे पहले आती है उस संख्या को सबसे पहले ध्यान में लेंगे और फिर उससे ही गिनती शुरू करेंगे। जब संख्या सबसे बड़ी संख्या जो है सबसे लास्ट में आएगी और उसी को राइट का निशान मार लेंगे अपन। देखो इनमें एक तो है 19, एक है 14 और एक है 17, तो सबसे छोटी संख्या जो है वो है 14, यहीं से गिनती बोलना शुरू करो, 14, 15, 16, 17, 17 ही आ गया, ये इससे बड़ी है। 18, 19, 19 सबसे लास्ट में आई तीनों संख्याओं में, तो 19 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। देखो गए वाले में 13, 11, 20 सबसे छोटी संख्या है, सबसे पहले कौन सी संख्या आ रही है, 11 आ रही है, तो ये सबसे छोटी संख्या 11, गिनती बोलना शुरू करो, 12, 13, फिर यही 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 सबसे लास्ट में आया, तो ये सबसे बड़ी संख्या है, इसी पर राइट का निशान लगा दिया अपन ने। चलिए आगे चलते हैं, 42, 30 और 13, तो 13 सबसे पहले आ रहा है, ये सबसे छोटी संख्या है, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 13 सबसे छोटी है, 13, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर यही, फिर 30 के बाद में 42 सबसे लास्ट में आएगी, तो 42 को राइट का निशान लगा देते हैं, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई अपने पास। अब देखो अंगा वाले में चलते हैं, अंगा वाले में पहली संख्या है 14, फिर 18, फिर 15, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, संख्या गिनती में सबसे पहले कौन आता है, 14 आता है, तो ये सबसे छोटी, फिर आएगा 15, ये आ गया इसके बाद वाली संख्या, फिर 16, फिर 17, फिर 18, 18 सबसे लास्ट में आ रही है, तो ये इन तीनों ही संख्याओं में सबसे बड़ी है 18। चलो आगे वाले में चलते हैं, 6 में 15, 10 और 22, तो गिनती में 10 सबसे पहले आ रहा है दो अंकों की संख्याओं में, 10, फिर अब काउंटिंग बोल दो, 11, गिनती बोलो सीधी वाली, 11, 12, 13, 14, 15, इसके बाद ये आ गई 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 सबसे लास्ट में आई, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ अपन ने क्या सीखा, तीन संख्याएं जब दो अंकों की दे रखी है अपने को 10 से 99 के बीच में, तब अपन सबसे पहले उस संख्या का पता लगाते हैं जो सबसे छोटी है, यानी कि जिसकी गिनती में सबसे पहला नंबर जिसका आ रहा है उससे शुरू करते हैं, फिर बाद में अपन जिसका सबसे अंतिम आएगा वो सबसे बड़ी, और उसी को राइट का निशान लगाना था इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3, इसके बारे में बातचीत करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है देखिए, थोड़ा सबसे छोटी संख्या पर राइट का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है सबसे छोटी संख्या पर, ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या यानी कि गिनती, गिनती बोलते समय जो संख्या सबसे पहले आएगी वो सबसे छोटी संख्या है, और उसी को राइट का निशान लगाना है, 13, 17 और 18, तो इनमें 13 सबसे पहले आ रहा है तो उस पर राइट का निशान लगा दिया अपन ने। फिर देखो 18 जो है वो इन सब में सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या, क्या है ये, बड़ी संख्या, बड़ी, सबसे बड़ी है, ठीक है। खै वाले में देखिए 15, 29 और 14, तो 14 जो है ये सबसे पहले आती है गिनती में, तो ये सबसे छोटी, और 29 जो है ये बड़ी संख्या है, 29 क्या है, बड़ी संख्या, राइट का निशान केवल छोटी संख्या पर लगाना है, सबसे छोटी जो होगी उस पर राइट का निशान। ग वाले में देखिए 32, 16 और 20, 32, 16 और 20, तो गिनती में 16 सबसे पहले आ जा रहा है, तो 16 पर राइट का निशान लगा दिया क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। अब देखो उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करें, तो 20 बीच में कहीं आती होगी और 32 सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि गिनती जब बोलेंगे तो 32 सबसे लास्ट में आएगा, सबसे अंत में आएगा, इसीलिए 32 सबसे बड़ी है। ग वाले में देखिए 12, फिर 34, फिर 20, तो 12 सबसे पहले आ रही है गिनती में, तो 12 पर राइट का निशान लगा दिया। अब इसमें भी सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करें, तो 34 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि गिनती जब बोलेंगे 12 से अपन गिनती बोलना शुरू करेंगे तो 34 सबसे अंत में आएंगे, ठीक है। आ जाइए अंग में 20, 41 और 18, तो 18 जो है गिनती में सबसे पहले आ रहा है,
तो 18 सबसे छोटी संख्या, इसीलिए इस पर राइट का निशान। गिनती बोलो देखो 10 से, तो सबसे पहले 18 आएगा, फिर आएगा 20, ये बीच में कहीं आ रही है, फिर आएगा सबसे लास्ट में 41। तो 41 जो है सबसे बड़ी संख्या है। अब देखिए चै वाले में 25, 43 और 16। तो 16 जो है वो सबसे पहले आ रही है इस गिनती में, सीधी गिनती में 16, और उसके बाद आएगा 25, और फिर सबसे अंत में आएगा 43, है ना, 43। तो 43 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 7 जो है उसमें क्या सीखा है, कार्यपत्रक 7 में अपन ने दो अंकों की तीन तीन संख्याओं के बीच में तुलना करना सीख लिया है। पहले प्रश्न में अपने सीखा है अपन ने कि किस प्रकार से जो अपने को सामान दिए गए थे उनकी गिनती लगाकर अपन ने अंक लिखे हैं, दो दो अंकों की तीन संख्या लिखी है, फिर उनमें सबसे बड़ी संख्या के ऊपर राइट का निशान लगाना था। तो 17, 19 और 18 में 17 सबसे पहले आ रहा है, तो ये सबसे जो सबसे पहले आती है वो सबसे छोटी संख्या है, क्या थी वो छोटी संख्या, और जो सबसे बड़ी थी उस पर राइट का निशान लगाना था, तो 19 पर लगा दिया अपन ने। चलिए और बाद में सेकंड वाला क्वेश्चन देखो इसी का, दूसरे प्रश्न में भी यही था कि बड़ी संख्या पर राइट का निशान लगाना था। तो तीनों ही संख्याओं को अपन ने देखा, जो गिनती में सबसे लास्ट में आई उस पर राइट का निशान, जो सबसे पहले आई वो छोटी संख्या, इसी क्रम में सबको अपन ने कंप्लीट कर लिया, सब पर राइट का निशान लगाया। जितनी भी बड़ी संख्या थी तीन तीन के क्रम में, जो तीन संख्याओं के क्रम है दो अंकों की, उन पर सब पर राइट का निशान लगा दिया। तीसरे प्रश्न में पूछ लिया सबसे छोटी संख्या पर राइट का निशान लगाना था, तो गिनती में जो सबसे पहले आ गई वो सबसे छोटी, गिनती में जो सबसे पहले आ गई वो सबसे छोटी संख्या थी, तो उस पर आते ही अपन ने राइट का निशान लगा दिया। और बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो सबसे अंत में आएगी वो बड़ी संख्या है। इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्रक 7 को कंप्लीट कर लिया है। अब कार्यपत्रक 7 पर अपन आज का दिनांक लगा देते हैं। आज का दिनांक जो है जब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ तो ये 29 नवंबर 2020 है, 29/11/2020। आप जब भी इसको कंप्लीट करो तो आज जिस दिन भी कंप्लीट करते हैं उस दिन का दिनांक यहाँ पर लगा देना, ठीक है। और इसका फ़ोटो लेके पूरे कार्यपत्रक 7 का या वर्कशीट 7 का फ़ोटो लेकर आप आपके टीचर के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उस पर सेंड कर दीजिए आप, ताकि टीचर जो है आपकी इस काम का मूल्यांकन कर सके, और जब भी आपको स्कूल बुलाया जाए तब स्कूल ले जाकर ये टीचर को चेक करवा दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।